किस तरह की छूट दी जा सकती है आने वाले बजट में? बिल्कुल, देखिए शहर में एक अदद आशियाना बनाने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अंतरिम बजट में सरकार शहरी गरीब और मिडिल क्लास के लिए एक नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए तक का प्रावधान कर सकती है। इस स्कीम के तहत जो लोग घर खरीदते हैं या फिर घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, उस लोन पर जो ब्याज देते हैं उस पर 3 से 6% तक की सब्सिडी मिल सकती है, यानी कि छूट मिल सकती है। ये एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम होगा और इसके लिए एक लिमिट तय की जा सकती है और लिमिट 50 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए हो सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक ऐसी स्कीम का जिक्र किया था, उसके बाद से हाउसिंग मिनिस्ट्री ने इस प्रपोजल को मूट किया था, लेकिन इस प्रपोजल को वित्त मंत्रालय की तरफ से अभी हरी झंडी मिलने का इंतजार था और फाइनली इस पर कई सारे क्वेरीज हुए और फाइनली ये प्रपोजल अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में पड़ा हुआ है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये जल्द ही इस पूरे स्कीम को अंतरिम बजट में ऐलान करने के लिए तैयार किया जा रहा है। और मैं बता दूं कि ये स्कीम में पहले ही जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्कीम चल रही थी उसको छोड़कर बाकी सभी स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जिसके तहत लोन पर छूट मिलती थी उसको भी बंद कर दिया गया, इसलिए माना जा रहा है कि ये पूरी स्कीम एक नए सिरे से लाई जा सकती है।